छूटने के बाद छोटे नोट मिलेंगे। लेकिन कई घंटों में लंबी लाइनों में खड़े रहने के बावजूद भी लोगों को बैंक में कैश ना होने की बात बताई जाती है, तो नए नोट ना मिलने की मायूसी उनके लिए बेहद ही दुखदायी प्रतीत होती है। नोटबंदी से पहले जो लोग बैंकों से 10 के सिक्के लेने से बिल्कुल मना कर देते थे, वही अब नोटबंदी के चलते बैंक में 10 के सिक्कों की रखी हुई मुद्रा को निकालने लगे हैं। कोई भी ग्राहक बैंक में जाकर अपनी परेशानी की दास्तां बताता है तो उसे 10 के सिक्कों की पोटली थमा दी जाती है। बाजारों में तो कई बार दुकानदार अभी भी ग्राहकों से 10 के सिक्के लेने में कोताही दिखा रहे हैं और 10 के सिक्के नकली होने की कहकर ग्राहक को लौटा देते हैं। हथीन स्टेट बैंक ऑफ पटियाला के प्रबंधक की माने तो बैंक नोटबंदी के दौर में करीब 15 लाख 10 के सिक्के ग्राहकों में बांट चुके हैं। उनका कहना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से बैंकों में 10 के सिक्के ग्राहकों में बांटने के लिए दिए गए हैं, जिससे लोगों को खुले पैसे की कमी महसूस ना हो। ज्यादातर 10 के सिक्के छोटे दुकानदारों के लिए बेहद लाभदायक हैं। छोटे दुकानदार अपने ग्राहकों को 10 के सिक्के खुले पैसे के बतौर दे रहे हैं। बैंक प्रबंधक का कहना है कि लोगों में अफवाह फैली हुई है कि बैंक 10 के सिक्के जमा नहीं कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति चाहे उसके पास 10 के सिक्के लाखों की संख्या में हो, बैंक में जमा करवा सकता है, लेकिन 10 के सिक्के कहां से आए इस बाबत ब्यौरा बैंक में देना होगा। कि भी कई एक इंस्ट्रक्शन आ चुके हैं कि ये हमारा वैलिड पॉइंट्स है, आपको इसमें कोई डरने की नहीं है और मार्केट में इसको चलाओ। ये छोटे छोटे कंज्यूम के लिए लो सिक्के, दो दुकान में जहाँ भी जो सामान परचेज करते दो। तो पहले एक लोगों में गलत फहमी थे इस वजह से, लेकिन अभी तो हमने चलाया काफ़ी और लोगों ने लिया भी है। तो अभी कई दुकानदार उनको 10 के सिक्कों को लेने कतराते हैं, कहते हैं कि भाई बैंक में ये वापसी नहीं चलते हैं, तो इस तरह का ऐसी बात नहीं है कि बैंक में नहीं, बैंक भी लेगी इसको, ऐसा नहीं। लेकिन ये क्या है, गवर्नमेंट ने चला है इसको छोटे छोटे कंज्यूम के लिए, कि छोटे छोटे यूज के लिए, जहाँ 10 रुपये का देना है खुला नहीं है आपके पास, 20 रुपये देना खुला नहीं है तो 2 सिक्के दे दिए उसको। इस वजह से अब यदि ये कोई गलत तरीके से कहे कि हम इकट्ठा करके बैंक के पास जमा करें, बैंक उसको देती है छोटे छोटे कॉइंस के रूप में कि मार्केट में चलाओ उसको। अगर कोई ग्राहक आपके पास जमा करने के लिए 10 के सिक्के ले आए तो वो जमा होंगे यहाँ पे? हाँ बिल्कुल जमा लेंगे, बिल्कुल लेंगे जमा। अब वो यदि कहेगा कि हम 10 लाख का कॉइंस हम जमा कर रहे हैं, तो अब उनको वैलिड प्रूफ देना पड़ेगा कहाँ से ला रहे हो कॉइंस, क्योंकि हमें RBI देती है 10 लाख 20 लाख कॉइंस देती है वो लोगों में बांटने के लिए, न कि वो बैंक में जमा करने के लिए। जैसे छोटे दुकानदार हैं उनके पास 10 के सिक्के अगर इकट्ठे हो जाएं तो बैंक में जमा कर सकते हैं? हाँ 100-200 जो भी करेगा हम जमा ले सकते हैं, कोई इसमें कोई रिस्क नहीं। मार्केट में कई देखा गया है कि नकली जो 10 के सिक्के हैं वो भी चल रहे हैं, तो असली और नकली की पहचान किस तरह से? ऐसा असली नकली तो ऐसा मैंने देखा ही नहीं कि नकली कौन है, लोगों के मुँह से सुना है लेकिन मैंने देखने के लिए मुझे नहीं मिला। मुझे यहाँ 4 महीने हो गया लेकिन मुझे नहीं मिला नकली देखने के लिए। इस तरह कोई जानकारी किस तरह से पहचान के लिए पहचान ऐसा सिक्का?